two cubical blocks identical in dimension float in water in such a way that first block floats with half part immersed, यानी आधा डूबा हुआ है. यानी कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है? V by 2 वॉल्यूम डूबा हुआ है. ठीक है. In water and second block floats with 3 by 4 of its volume inside water. यानी कि इसका 3 by 4 वॉल्यूम डूबा हुआ है. तो भाई ये हम लोग नीचे ले जाए और ये रहा, ये रही नई पोजीशन इसकी. पिछले क्वेश्चन का डायग्राम मैं यूज करे ले रहा था यहाँ पे, वहां पे 1/4 दिया हुआ था. अब सिचुएशन हमें समझ में आ रही है भाई. एक बार आधा डूबा हुआ है, एक बार आधे से ज्यादा 3/4 डूबा हुआ है. तो वी बाई टू आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है, यहाँ पे 3/4 वी इतना वॉल्यूम डूबा हुआ है. ठीक है. द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स इज, हम लोग अपना फोर्स बैलेंसिंग कर ले भाई. mg नीचे ले जा रहा है और बॉयंट फोर्स जो है वो ऊपर ले जा रहा है, और कोई चीज तो है नहीं और ये रुका हुआ है. mg इज इक्वल टू f बॉयंट. अब यहां पर मान लीजिए कि जो वॉटर है उसकी डेंसिटी हम लोग 1 मान लेंगे. ठीक है. अब मास कैसे होगा इसका, कितना इसका पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा मास के लिए, तो रो वी जी. रो किसका है? डेंसिटी ऑफ ब्लॉक है रो. इसका रो वन बोलना पड़ेगा, इसका रो टू बोलना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि दो अलग अलग ब्लॉक है. ठीक है. तो पहले हम इसी के लिए रो के हिसाब से कर ले, फिर इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे. दिस इज द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हम लोग ने ले ली सिग्मा. ठीक है. एफ बॉयंट क्या हो जाएगा? एफ बॉयंट हो जाएगा जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड है? वॉल्यूम तो वी बाई टू है और सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है. वी बाई टू इंटू जी. ठीक है. रो वी जी इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड सिग्मा वी बाई टू जी इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. अब क्योंकि ये पहला वाला है तो रो वन कर दीजिए, लिक्विड तो वही है, सिग्मा वही रहेगा. वॉल्यूम वी पूरे ब्लॉक का है, वी बाई टू डूबे हुए का है. वही तरह की इक्वेशन यहां बन जाएगी. रो टू वी जी इज इक्वल टू सिग्मा वी बाई टू की जगह इस बार आप 3V/4 लिखिए इंटू जी. ठीक है. अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए. ये बटा ये बराबर ये बटा ये, सब कुछ कट जाएगा. रो वन वी जी डिवाइडेड बाई रो टू वी जी इज इक्वल टू सिग्मा वी बाई टू जी सिग्मा 3/4 वी जी. बस वी जी उड़ गया, जी जी उड़ गया, सिग्मा सिग्मा उड़ गया, वी वी उड़ गया. बस रो वन अपॉन रो टू इज इक्वल टू 1/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3. ये काट देगा इसको तो 2/3 आ जाएगा यहां से. रो वन अपॉन रो टू इज इक्वल टू, ये काटा 2 आ गया, 2/3. सो 2:3 हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 1.